अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बचे हुए गेहूं के आटे से नूडल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये नूडल्स बन करके तैयार हो जाते हैं, बच्चों को बेहद ही पसंद आते हैं। तो आप घर पर गेहूं के आटे से इजीली ये नूडल्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो रोटियों का आटा बचा हुआ था, मैं इनसे ही नूडल बनाऊँगी। तो आटा मेरा हल्का सा सॉफ्ट था, मैंने यहाँ पर उसमें सूखा आटा डाल के उसे थोड़ा टाइट कर लिया है। तो अगर आपका आटा सॉफ्ट है तो आप उसमें सूखा आटा डाल के उसे टाइट कर लें। अब दोनों मैंने आटे की पेड़े बना लिए हैं। अब रोटी जैसे हम बनाते हैं सेम वैसे ही हमको रोटियाँ यहाँ पर तैयार कर लेनी हैं दोनों पेड़ों की। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पेड़ों की रोटियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और मैंने इनको ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसा ही मैंने इनको रखा है। अब यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है, पानी को उबाल आने तक हमें गर्म कर लेना है। तो पानी में यहाँ पर उबाल आ चुका है, अब जो हमने रोटियां बना करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। तो दोनों रोटियां ही हम ऐड कर देंगे। एक तरफ से रोटी को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए हमें पकाना है, फिर जब एक साइड से हमारी रोटी पक जाएगी तो हम टर्न कर देंगे इसे, यानी पलट देंगे। तो इधर से भी हम 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। रोटियों में अच्छे से उबाल आ चुका है, रोटियां यहाँ पर अच्छे से उबल चुकी हैं दोनों साइड से। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में। रोटियां निकालने के बाद हम ठंडा होने रख देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई को मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया है, इसमें 2-3 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने ली है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हल्का सा फ्राई करके हम कढ़ाई में ही साइड कर देंगे इसे, आप चाहें तो अलग प्लेट में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/2 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है मैंने, फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करके हम कढ़ाई में ही साइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर और 1 हरी मिर्च। टमाटर को हल्का सा फ्राई करके अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च का पाउडर लिया है, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक लिया है, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड किया है चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। तो सब्जियों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी ये रोटियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं। तो रोटियों की कटिंग हमें ठंडा होने के बाद ही करना है। तो मैंने यहाँ पर रोटी को डबल कर लिया है और एक कैंची की हेल्प से मैं इसको कट कर लूँगी। तो पतले पतले नूडल्स मैं यहाँ पर कट करके तैयार कर लूँगी। सारे मैंने इसी तरीके से कटिंग कर ली है रोटी की, तो छोटे छोटे ही और पतले पतले ही मैंने यहाँ पर काटे हैं जिससे कि ये अच्छे से पक जाएं और इनमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मसाला हमारा यहाँ पर एकदम भुन के रेडी हो चुका है, सब्जियाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो नूडल्स को अब इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 पाउच पास्ता मसाला। अगर पास्ता मसाला ना मिले तो आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नूडल्स में। और फिर दोबारा से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट के लिए ढक कर के रख देना है, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर हमारे नूडल में अच्छे से मिल जाएगा। तो 2-3 मिनट हमारे नूडल्स को पकते हुए हो चुके हैं। अब यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें और फिर से इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे और नूडल हमारे तैयार हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे मिक्स करने के बाद और इनको डिश आउट कर लेंगे। तो बचे हुए आटे से हमारे नूडल्स बन कर के तैयार हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी हैं ये रेसिपी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।